जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाकर आल पर क्लिक करें ताकि मजालिस वज़ादारी की आने वाली हर नई वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके। शुक्रिया। मेरे अजीज दोस्तों, एक वो मस्तूर है जिसे नल खैर का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और मेरी बेटियां सीरत बतूल पढ़ो, सीरत खदीजा को बड़ा पढ़ो। नबी पाक ने बीबी खदीजा की जिंदगी दूसरी शादी नहीं की, मौला अमीरुल मोमिनीन ने जनाब सय्यदा ज़हरा की मौजूदगी दूसरी शादी नहीं की। जिन्हिया शादियां मौला अली ने की ने वो जनाब ज़हरा तो बाद ने, तो जिन्हिया हजरत रसूल खुदा ने की ने जनाब खदीजा तो बाद। 25 साल तक बीबी खदीजा नाल रहने, बीबी दूसरी शादी नहीं की। यदा मतलब अल्लाह करे सड़िया बेटिया ऐसिया मस्तूरात की सीरत अमल की अल्लाह तौफीक दे कि उन्होंने मौजूदगी बंदा दुआने ना वेखे। मौला तुम जजा दे, खैर निशा का मतलब है बेहतर बेहतर। लोग थले तलाई पा के उत्ते चादर पा के मुतमन नहीं होते, तो चादर तो बाद फिर कपड़ा लिया होंगे जरा कि थले ना बछाया होंगे, वो बछा के आते हैं इतने पीरना पैण। यह मतलब है वैसे जगह भी बेहतर सी, लेकिन उदू बेहतर उदू बेहतर उदू बेहतर। यदा मतलब है जिन्होंने बंदा बेहतर समझता है उन्होंने बेहतर जगह पर बंद है। अच्छा बंदा फिर पछाण तो बाद मैं वेख्या तुसा गौर किया हो तो वट कटता होंगे, आ जाओ बाबा जी आ जाओ। यद मतलब है जो नज़र च बेहतर हो ना वो थले चादर बछाई दी ने खोई दी ने। खुदा की कसम जी जुत्ती रिश्ते गई थी ओदिया नवासियां नंगी पैरी जंगल। रसूले खुदा तुम पता है बीबी पाक के सामने उठते मैं हमेशा गल की है या मैं सजदा चिर लागे बोला मां लिखते हैं कि बीबी जदों मस्जिद आते सन नबी पाक उठ के खड़े हो गए। कोई ये नहीं दसता कि बीबी मस्जिद आते क्यों सन, दसना चाहिए यार बीबी मस्जिद क्यों आते किस काम आते सन, अगों काम को नहीं दसता ये दस रहे बीबी आते सन, अगों नहीं दसते क्यों आते सन। बीबी के घरों नबी पाक निकल के मसीते आते सन, मस्जिद निकल के बीबी के घर जाके बाहर निकलते सन। तुहाडे मैं एक गल दसा, बीबी के घर का दरवाजा मस्जिद के अंदर खुलता सी बाकी दरवाजे बंद होता। नबी पाक बीबी पाक के घर वालों ही मस्जिद आते सन, बीबी पाक के घर तो गुजर के मस्जिद चो बाहर निकलता। बीबी ने अगर कोई गल करनी होती सी वालदे मोहतरम ना तो आंदियां जांदियां नहीं कर सकते सन, दसण ना बंदे मसीते क्यों आउंदे। क्या बात है भाई यार, नबी अपनी धीए नूं निकल के नमाज पढ़ाने आए ने, नमाज पढ़ा के फिर धी दे घरों निकलना है, फिर बीबी खुतबा देन दे विच क्यों आउंदे सन। मेरे को पूछ लो, अल्लाह आंदा सी आ, नबी मंगवांदे सन ते बीबी आउंदे सन, अल्लाह हुक्म करदा सी ते बीबी आउंदे सन, ते नबी पाक उठ के सहाबा दे विच खड़े हुंदे सन ते हट के ना अपनी जगह तो चंद फिर मिंबर दे उत्ते आ जा। मेरे नूं वेखो यार, थले उतर के हाथ फड़दे सन, हाथ फड़ के बीबी नूं मिंबर दे उत्ते सीढ़ियां दे लिया के जिथे आप बैठे हुंदे सन ना आप साइड ते हो गए, अपनी साइड ते नहीं। हाय हाय हाय, किसे महसूस कीते इस गल नूं, आप ना साइड ते हो गए जिथे आप बैठे हुंदे सन ना उत्थे बिठांदे सन। बस उस तो बाद उठांदे सन ते घर करदे सन, जिन्नी वारी आए ने जे काम कोई नहीं दसदा ते फिर मन जा दसदे सन जे करिए आ जाए ना। जनाबे सजदा की शहादत के मुताबिक आख्या, मैं हमेशा दो बैन ट्रै पढ़े ने, मैंने आख्या ने दो ही बैन पढ़ते, ये दरम्यान जीडिया मेरे सिमे दुआवां ने इंशाल्लाह भी अल्लाह कबूल करे। मैं कल एक जुमला आख्या अज फिर आना, भैन बैठिया ने भरावान रख के सेवा देने, मावं बैठिया ने पुत्रां नूं रख के है ना, धियां बैठिया ने प्यवां नूं रख के अज बैठी हैं। तो खुदा की कसम उत्थे कल नून लीग वाले भी चले गए, उत्थे सराजो रख साहब अच गए, अज सराजो रख साहब गए ने, कल मरियम नवाज शरीफ साहब अगे हुए सन, शेख शीर साहब गए ने, गौरमेंट के नुमाइंदे तो हिफ्ज़े इख्तलाफ आपस भावें लड़े ने, उत्थे सारे गए, उत्थे सारे गए, हाथ च कोई सोटी लग गए, कोई हथियार लग गया, कोई पत्थर लग गया, नहीं बैठिया ना अपने को बैठिया ने ना मजलूमा को, मजलूमा को मैं उन्होंने धियां एक हौसले का लफज रखे, मैं क्या अल्लाह थोड़े ते रहम करे, अल्लाह थोड़े दिलों को बहुत बड़ा हौसला दे, एक गल का ध्यान रखा जे ये जेडे सामने लाशे पैने ये उन्होंने मनन के
ਜੁਰਮ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਹੋਏਗਾ ਜੁਰਮ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਘਬਰਾਇਆ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸੀ गल करनी है यकीन करनी मैं ख्वाब नहीं सुना रहा मैं चिट्टे दिन अपनी अखा नाल वेख्या नाल जिंदान से दूर नहीं इस जिंदान च एक बच्ची रोंदी है जदों उहदी चीख की आवाज आती है मैं अपनी अखा नाल चिट्टे दिन वेख्या इस संदूक जमीन तो उठिया छत नाल जाक लगता है फिर छत तो वापस आंदा है मैं डर आ गया कि किधरे तेरा शहर ही गर्क ना हो जाए कोई तरीका हो सकता है या सार उत्थे पहुंचा या बच्ची नूं चुप करा हजरत सज्जाद नूं सद के कहण लगा कि बच्ची कौन रोंदी है जनाब सज्जाद ने फरमाया मेरी भैण है किवें चुप कर सकती है फरमाया बाबे तो उदास है कहण लगा सर लै जा सर लै के हजरत सज्जाद अपनी आवाज दे दमन ਅੰਜ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨੇ ਫੁੱਫੀ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਕੀਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਰਬਾਬ ਦੀ ਗੋਦੀ ਸਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫੁੱਫੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ
ਨਾ ਸਕੀ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕੋਲ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜੀ ਕਦੀ ਨਾ ਰੋ ਹਜ਼ਰਤ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਚੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨ ਸਲਾਮੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਚੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਟੁਰ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਵੀ ਸਕੀਨਾ ਸਲਾਮ ਮਾਤਮੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ मैं सहरन गल कर रहा सहरन बीबी पाक इन्हें कमजोर हो चुके सन मैं तुम हालत पढ़ा तो तुम परेशान हो जाओ बीबी पाक का रंग जर्द हो चुका बीबी पाक दी हड्डियां तो गोश्त लाल हो गई बीबी पाक दी अखां सफेद हो गई पानी की कमी की वजह तो बीबी पाक दे हल्के पै गए जनाबे बीबी पाक तुर नहीं सन सकते पैरों में इन्ने कंडे चुप चुके सन कन दो सकते सन निशान सन मौलत जसा दे इस दर्द बीबी पाक ने एहतियात नाल चुके आए कि नहीं आई है मेरे जनाबे रबाब की गोद चो एहतियात है सदके जाओ एहतियात नाल चुक के ते फरमा दे पुफी किथे जाने फरमा बाबे नूं मिलने हाँ हाँ मिलना जो लै के करीब आए मैं तो फरमाते ना सकीना बाबे नूं मिलने की मिलना पर कितने रो पैने सजाद तो फरमाते ना सकीना बाबा नहीं मेरे को बाबे का सारे तिया कफन जो खा बैंदियां ने तिया कफन जो खा बैंदियां ने मेरे सारे चाचे ने चुग लिया हाँ पर मैं फिर चाचा बाद तो हाँ सद्या तो मेरे अकबर ने चुग लिया एक वेले धियां नूं तुसीं ना बुला पर मैं जदों मेरे वीर अकबर नूं चाचे ने बुलाया तो मैनूं फूफी ने चुग लिया इत्थे क्यों बुला जी बीबी वर्मा दी बाबा जी का पैर थले नहीं सुन लगन देंदे मैं घोड़े नाल पैंदी तीसरा जुमला बीबी ने वर्मा अखां खोल ना खोल इक्को गल दा जवाब सुखमी नबा नाल दे दादी दा किन्नी उम्र च सर सफेद होया सी 18 साल सुगरा दा 7 साल बीबी वर्मा दी एक बारी वेख मैं 4 साल आ के लई लो जी हुण दादी दे त्रै बहन सुन वास्ते तैयार हो गए हो जनाबे सजदा दे मातम वास्ते तैयार मातमियो त्रै जुमले बीबी दे किथे प्यो दी किन्नी कब्र ते एक हाथ रख के कई बार इतने ही मई लस मुक गई जी मैं गल की मैं पहले प्यो की किली कबर से यार एक हाथ रख के किली कबर क्यों आखी कि अजय ज्यादा दिन नहीं गल गुजरे
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਰੇਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਸੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਸੂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਾਤਮ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਲਾ ਬੀਬੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਗੱਲ ਇੰਜ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਓਾਂ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਬਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਕਬਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਨਾ ਸਾਹਿਬ।